सनौरी गौशाला पुलिस की धोखाधड़ी और गुंडागर्दी। 21 दिसंबर 2018 को स्थानीय लोगों की सूचना पर कठुआ पुलिस ने करीब 200 बैलों को अवैध रूप से बध के लिए ले जाते हुए 10 ट्रकों को पकड़ा। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और बेशुद्ध हालत में पकड़े गए 175 मवेशियों को विहार सनौली की ध्यान फाउंडेशन गौशाला में स्थानांतरित कर दिया। अगले दिन पुलिस पशुओं के दावेदार के साथ गौशाला पहुंच गई। उनके पास अदालत का कोई आदेश नहीं था, बस केवल एक पत्र था जिस पर 24/12/2016 की तारीख थी। गलत तारीख के लिए कोई लिखित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके अलावा दावेदारों के पास से ना ही कोई पहचान पत्र था और ना ही उनके पास कोई जमीन। कानूनी नियमों के अनुसार मवेशी के दावेदार को अदालत में उनकी देखभाल और रखरखाव के पैसे जमा करने होते हैं, जो रिहाई के लिए एक आवश्यक शर्त होती है, किंतु उसके कागजात भी उनके पास नहीं थे। मवेशियों को छोड़ने से पहले गौशाला के कार्यकर्ताओं ने रिहाई के लिए आवश्यक कागजात देने का अनुरोध किया। तो मतलब ये बहुत ही इलीगल तरीका हुआ है, जो मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हो, क्योंकि बिना परमिशन, बिना कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए, मतलब ये तो स्टीलिंग ही हो गया ऑलमोस्ट, कि आप जो भी जानवर आपको दिखा वो लेके गया। जो पुराना का कस्टडी वाला जो दूसरे थाने से जो आया है, वो गाय को, जो तंदुरुस्त गाय, जो गौशाला का गाय है, पर्सनल गाय जो रखा हुआ है, वो लेके गया। आपका चिन्हित क्या हुआ है, कौन कहाँ से आया? हाँ, पूरा टैग लगा हुआ है। हाँ, कौन सा केस का, ये अगर दूसरे थाने से आया उसका इतने से इतना टैग है, तो इधर वाले का अलग टैग लगा हुआ है। तो वो सब कुछ चेक नहीं किया है, जो उठाना है वो उठा के लेके गया। मेन बात तो ऑर्डर अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी ऑर्डर नहीं हुआ है। मैडम, आपने बताया कि मारपीट करने की कोशिश किया प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, हाँ जी, इनके लिए कोई सबूत वगैरह है? हाँ जी, हमारे पास सीसीटीवी कैमरास लगा हुआ है इधर, तो उसका पूरा वीडियो से मैं आपको फॉरवर्ड कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ मैं आपको। और उनके अलावा और भी कोई, किसी के मोबाइल से ऐसा कुछ, जब कैमरा लगा हुआ है तो कुछ नहीं? हाँ, कैमरा लगा हुआ है सर, किसी का मोबाइल से क्या, मतलब ऐसे ऑलरेडी सीसीटीवी है तो क्या? हाँ, और जो मतलब जो लोग आए थे, वो जो अक्यूज थे उस केस में, 28 लोग जो अक्यूज थे, ना उनके पास कोई लैंड का डॉक्यूमेंट है या कुछ भी नहीं है, कि वो ऐसे ही लेके गया। और रात के टाइम गाय को चलाना अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स बाय फुट 2000, उस पर मना है। रात के टाइम, सनसेट के टाइम के बाद आप गाय को चला के नहीं लेके जा सकते। 30 किलोमीटर से ऊपर आप एक 8 घंटे में 30 किलोमीटर चला सकते हैं गाय को, उससे ज़्यादा आप चला नहीं सकते, इलीगल है। और उस जो गाय लेके जाते हैं उसका वेटनरी सर्टिफिकेट, हर एक गाय का वेटनरी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये फिट है जाने के लिए। और बिलो 12 डिग्री टेम्परेचर के टेम्परेचर में आप लेके नहीं जा सकते। और 25 दिसंबर को जो SHO है, उन्होंने गौशाला का जो इंचार्ज है, उनको फ़ोन करके बोला है कि हम गाय लेने आ रहे हैं और अभी रिलीज़ करना होगा करके। तो जब इधर आए तो खाली उनके पास कोई रिलीज ऑर्डर तो नहीं था, बस खाली एक लेटर था 24/12/2016 का डेटेड, कि इतने गाय रिलीज़ करना है, ना उसमें कोर्ट का सीरियल नंबर कुछ भी नहीं था, हर एक इसमें एक नंबर होना चाहिए कोर्ट का रिकॉर्ड के लिए। तो हमको ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट तो लगा नहीं, तो हमने गौशाला का जो इंचार्ज है उन्होंने बोला कि ये तो ये नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा बताया। तो उनको तो उस टाइम वो जो जो बंदे थे, लेबर लोग थे, उनको मारा और उन ज़बरदस्ती लेके गया जीप में अंदर डालने के लिए, फिर उनको धमकी दिया। फिर उसके बाद उस टाइम तो वो निकल गए। फिर उसके बाद ये 2 तारीख को शाम को एकदम 6 बजे करीब होगा, पुलिस वाले भी थे और SHO IO, इस केस का IO जो है वो, और 100 लोग के करीब होगा आके, जो अच्छा दिख रहा है जानवर वो लेके चले गए। ना कोई हम इधर कोई डॉक्यूमेंट दिया है, ना उस टाइम में भी उनके पास कोई ऑर्डर कॉपी नहीं था कि कौन सा जानवर लेके जा रहा है, ना कोई उसका रिकॉर्ड बनाया, ना कोई उसका वेटनरी। नहीं, हम लोग कोई नहीं था इधर, नहीं कोई इंचार्ज नहीं था, लेबर लोग था। अब इतने लोग अंदर आए और तो लेबर लोग भी घबरा गए,
वो लोग भी इधर कोई केस किया? नहीं, अभी हमने कंप्लेन दिया है, एसपी को कंप्लेन दिया हुआ है। हाँ जी भाई, तो कितने तारीख को कंप्लेन दी? 3 तारीख को कंप्लेन दिया।